वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने इस्टैब्लिशमेंट को मदाखलत की दावत देते हुए कहा कि इस्टैब्लिशमेंट मदाखलत करे और फौरी इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतों से पैसे लेकर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वालों को कलदम करार दिया जाए। वफाकी वजीर ने कहा कि पीटीआई के तमाम लोग असम्बली से मुस्ताफी हो जाए। शेख रशीद ने चार रास्ते बताते हुए कहा कि आसफ अली जरदारी को महीने का भत्ता आता है, क्या इदारों को मालूम नहीं कि आसफ अली जरदारी को कौन भत्ता पहुंचाता है। वफाकी वजीर ने कहा कि मकसूद चपड़ासी जैसे लोग अब इस मुल्क को चलाएंगे, देखता हूं ये लोग मुल्क कैसे चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। इससे कबल वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद का कहना था कि आज रात 12 बजे तक वजीर दाखला हूँ, मेरी सियासत के 50 साल नाला लई में गर्क हो गए, रमजान और ईद के बाद किसी एक टीवी चैनल पर एंकर भी आ रहा हूँ।